मॉर्निंग डायरी। गुड मॉर्निंग? व्हाट यू मीन बाय गुड मॉर्निंग? आज तो मेरे बच्चे ने सोने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। शाम को 6 बजे सो के उठ रही हो? बहुत टाइम बाद आज सुकून की नींद आई है। हमजा के घर में बहुत डिस्टरबेंस रहती है, इसलिए नींद नहीं आती। आई कांट अंडरस्टैंड, तुम वहां पे क्या करने गई थी? तंग करने। और मैंने वहां सबको बहुत तंग किया। सब लोग मुझसे हाथ जोड़ कर कह रहे थे कि प्लीज यहाँ से तुम चली जाओ, और वो ओल्ड लेडी, उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या फिर मैं। सोचे डैड, वो औरत जिसकी हुकूमत चलती है उस घर में, वो तो परेशान हो गई थी मुझसे। इसका मतलब ये है कि मेरे बच्चे ने बहुत एंजॉय किया। फैमिली उसके साथ ही सब होना चाहिए था। फिट फैमिली। हमजा, बगैर बताए कहाँ चले गए थे भाई तुम? बस कुछ काम निपटाने थे इसलिए। तशरीफ रखिए। थैंक यू। अब आना आपके काम का। उन्हें मेरी बात माननी पड़ी। क्या फैसला किया? यही कि मैं आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा। गुड, आई लाइक इट। थैंक यू। मुझे लगता है कि जो वक्त है इसको कैश करना चाहिए और डॉलर्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए। Okay. ये कुछ दस्तखत चाहिए आपके, कुछ चेक इशू करने। अरे बेटे, ये सब कुछ भी आप ही कर दीजिए, हमें निकाल दीजिए इन सब कामों से। यहाँ 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 इसको, ये इस तरह। फराज, कहाँ जा रहे हैं? खैरियत? ना सलाम ना दुआ। सलाम अलैकुम। जीते रहिए। वालेकुम सलाम। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? भाई साहब, जिसका हमजा जैसा बेटा होगा वो परेशान नहीं होगा तो और क्या खुश होगा। आज हमजा ने हमें दिखा दिया कि हमारा बेटा है ही नहीं। बताइए तो हुआ क्या है? आज वो हमारे पास ऑफिस आए थे, पैसे मांग रहे थे, कहने लगे कि नसीर के साथ कोई शराकत करने जा रहे हैं। शराकत? हमजा की मामूली रकम नसीर जैसे बिजनेसमैन के लिए क्या हैसियत रखती है? बाहर भी जाए हमारी तरफ से, वो चाहे तो पैसों को आग लगा दे, नसीर के साथ शराकत करे, जो चाहे वो करे, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत कर रहा है हमजा। आप लोगों को हमजा के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब तक उन्हें सबक नहीं मिलेगा ना वो सुधरेंगे और ना ही उनकी वापसी होगी। जाइए, आप आराम कीजिए। हमजा, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? I'm coming. प्लीज जल्दी करो। 10 मिनट। भी आने शुरू हो गए। हेलो। हाँ बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रही। हाँ, और कितना टाइम लगेगा भाई? कमिंग। तुम आ जाना, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रही हूं।
ओके 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 थोड़ी देर बाहर वेट करो। खोल गेट, अबे गेट खोल यार। हमारी तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप इतना परेशान किस बात पर हो रहे हैं। भाई कोई बच्चा थोड़ी है, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। और फिर अमल अपने वालिद की इकलौती बेटी है, जो कुछ भी है उसे ही मिलेगा। और फर्ज कर ले ना भी मिला तो हमें क्या कमी है, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। ये बात आपके बेटे की समझ में आ जाए तो क्या ही अच्छा हो। वो तो ये समझते हैं जैसे यहाँ पे भूखे मर रहे थे, दूसरों के पैसों पे राले टपकाते फिर रहे हैं। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप फरा? आज आपके बेटे ने हमें बहुत मायूस किया है। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं, लगता था हम किसी अजनबी से बात कर रहे हैं। और ये हमारी बात याद रखिएगा, एक दिन खाली हाथ वापस इसी घर में वो आएगा, ये हम आपसे कह रहे हैं। आप अपने बेटे के लिए इस तरह सोच भी कैसे सकते हैं? एक तो हमें ये समझ नहीं आता कि आप और आपकी अम्मा इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी आसानी से कैसे कह देते हैं। सुगैना हमारी चाय लेके आओ हमारे कमरे में।